सर्वेभ्यो नमो नमः मम नाम डॉक्टर लूनेश कुमार वर्मा व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला रायपुर मध्य जिलपुर अद्य पदस्थोस् पठामः दशम्याम कक्षायां सप्तमः पाठः सुभा प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो हमारा देश भारत ऋषि मुनि परंपरा से समृद्ध रहा है ऋषि मुनि परंपरा कहने का तात्पर्य ज्ञान विज्ञान से संपन्न संस्कृति वाला हमारा देश रहा है तो इन ऋषि मुनियों के द्वारा विद्वानों के द्वारा बुजुर्गों के द्वारा जो संचित ज्ञान है उनके ज्ञान का जो निचोड़ है यही सुंदर वचन कहे जाते हैं और इन्हीं सुंदर वचनों को संस्कृत में सुभाषित कहा जाता है तो आप सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति संस्कृत पर आश्रित रहा है इसीलिए कहा भी जाता है भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा अर्थात भारत की प्रतिष्ठा में भारत भारत की भाषा संस्कृत और यहाँ की संस्कृति का प्रमुख स्थान है भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों के द्वारा जो अध्ययन किया गया है तप किया गया है तप बल से जो ज्ञान प्राप्त किया गया है और उन ज्ञान राशि का निचोड़ सुभाषित के रूप में संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है तो उन्हीं ज्ञान राशि में से कुछ सुभाषित श्लोकों का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं आइए हम देखते हैं सप्तम पाठः सुभाषिता सप्तम पाठः सुभाषिता सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ता संस्कृते ही महर्षि तद विद्याधे सव्यम संस्कृत कामधेनुवत वायूनां शोधकाः वृक्षाः तस्माद् तस्मादरोपणमितेषाम् रक्षणं च हितावहम् त्वक्शाखापत्रमूलैश्च पुष्प पुष्पलरि प्रत्यंगेपकुति वृक्षा सद्भिशा कचिदपी वस्तूना गम्यते संगीणा गुणा वैद्यनापित हंत्रीण हस्ते सुछुरी का यथा यक्यम ग्रसी सस्त ग्रस्त परीण मेचयत परिणामे यत् ताद्यं भूतिमिच्छता अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं स्वल्पं तथा युर्भवश्च विघ्ना सारन्ततो ग्राह्यं पास्य फल्गू हंसेर यथाचिर मीवांबु मध्यात सस्त्र हता नहीं हता रिपवो भवंती प्रज्ञा हतास्तु अस्तु रिपवासु हता भवंति सस्त्रम निहंति पुरुसस्य शरीर मेकम प्रज्ञाकुलञ्च विभवञ्च यशश्च हन्ति दिनान्ते दुग्धं निशान्ते च पिबेत् पयः भोजनान्ते तक्रं किं वैद्यस्य प्रयोजनम् पादं शिष्यः स्वमेधया कालेन पादमादत्ते पादं स पाद सब्रह्मचारी विद्या सम चक्षुः नास्ति, नास्ति सत्यसम तपः नास्ति राग समं दुखम नास्ति त्याग सुख पहला श्लोक है सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ता संस्कृते ही महिर्षि तद्या तद सव्यं संस्कृत काम सर्वा अर्थात सभी प्रकार की विद्या विद्याएं पूरा पूरा का मतलब होता है पहले प्रोक्ता प्रधन उक्ता प्रोक्ता संस्कृते संस्कृत में ही यह अव्यपद है यह निश्चयवाचक अव्यपद है महिर्षि भी है महाधन ऋषि भी यति महर्षि भी यहाँ गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है महर्षियों के द्वारा तद विद्या निधे। तद धन विद्या निधे, उस विद्या रूपी निधि को सेव्यम सेवन करने के लिए अर्थात पाने के लिए संस्कृतम अर्थात संस्कृत काम धेनुवत उस विद्या रूपी निधि को प्राप्त करने के लिए संस्कृत जो है कैसा है यह काम धेनु के समान है काम धेनु के क्या हुआ? काम का मतलब होता है इच्छा और धेनु का मतलब होता है गाय कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है गौ इति पदस्य पर्याय पदम अस्मिन श्लोके किम पदम प्रयुक्तम उत्तर तो क्या होगा तो गौ इति पदस्य पर्याय पदम अस्मिन श्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति धेनु तो धेनु जो है गाय का पर्याय वाची आप सभी जानते हैं तो संस्कृत को काम धेनु कहा गया है संस्कृत को काम धेनु क्यों कहा गया है इसके विषय में हम चर्चा करेंगे आइए पहले श्लोक के अर्थ को देखते हैं सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ता सभी प्रकार की विद्याएं भारत के ऋषि मुनि महर्षियों के द्वारा पहले ही वेदों में पुराणों में रामायण में महाभारत में ये संस्कृत साहित्य जो है इन संस्कृत संस्कृत साहित्य में जो विद्या निहित हैं इन सभी में इन सभी की रचना विभिन्न ऋषियों महर्षियों एवं विद्वानों के द्वारा किया गया है तो उन के द्वारा जो साहित्य रचना किया गया है उन रचनाओं में Osionfish. सभी प्रकार की जो विद्याएं जो हैं वो निहित हैं इसीलिए कहा गया सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ता अर्थात सभी प्रकार की विद्याएं चाहे हम ज्ञान की बात करें या विज्ञान की बात करें समाज की बात करें राजनीति की बात करें धर्म की बात करें नीति की बात करें, की करें चरित्र की बात करें ये सभी विद्या सभी प्रकार की विद्याएं पहले ही महर्षियों के द्वारा कह दिया गया है किसमें कह दिया गया है संस्कृत में कह दिया गया अर्थात संस्कृत साहित्य जो है उसमें ये सभी विद्याएं निहित हैं जिनको महर्षियों ने चाहे हम महर्षि वाल्मीकि की बात करें महर्षि वेदव्यास की बात करें महर्षि पाणिनि की बात करें या कालिदास भास अश्वघोष जैसे महाकवियों की बात करें इनके द्वारा पहले ही सभी प्रकार की विद्याएँ जो है कह दी गई हैं वैदिक साहित्य जिसको कहा जाता है वेद जो विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य है इसमें वो सभी विद्याएं निहित हैं इसीलिए कहा गया सर्वा विद्या प्रोक्ता सभी प्रकार की विद्याएं जो है पहले ही कह दी गई हैं संस्कृते संस्कृत में महर्षि भी महर्षियों के द्वारा ऋषि मुनि आदि के द्वारा तद विद्यानिधि उस विद्या रूपी निधि अर्थात उस विद्या रूपी संपत्ति को यदि हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमको करना पड़ेगा सेव्यम संस्कृतम संस्कृत की सेवा करनी होगी अर्थात संस्कृत का अध्ययन करना होगा क्यों अध्ययन करना होगा क्योंकि वे सभी विद्याएं जो है संस्कृत साहित्य में निहित हैं वेदों में निहित हैं पुराणों में निहित हैं रामायण में निहित है महाभारत में निहित है कालिदास अश्वघोष भास जैसे महाकवियों के द्वारा जो विभिन्न ग्रंथ लिखे गए हैं इन ग्रंथों में वो विद्याएं निहित हैं और ये सभी ग्रंथ जो हैं संस्कृत में लिखा गया है इसलिए इन ग्रंथों में निहित यदि ज्ञान को हमें प्राप्त करना है उस ज्ञान से हमें लाभ लेना है तब हमें संस्कृत को जानना आवश्यक होगा इसलिए संस्कृत का अध्ययन करना होगा इसलिए कहा गया इसलिए संस्कृत की हमें सेवा करनी चाहिए कैसी सेवा करनी चाहिए तो संस्कृत क्या है संस्कृत जो है कामधेनु समान है कामधेनु आप जानते हैं काम मतलब होता है इच्छा और धेनु मतलब गाय ऐसी गाय जो इच्छाओं की पूर्ति करने वाली हो आप सभी एक छोटा सा प्रसंग जानते हैं महर्षि वशिष्ठ के पास में एक नंदनी नाम की गाय थी वो गाय जो है वो कामधेनु गाय थी अर्थात विभिन्न कामनाओं की पूर्ति करने वाली थी एक बार राजा विश्वमित्र कहीं आखेट के लिए अपने सैनिकों के साथ गए हुए थे और वन में भटकते भटकते भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे एक आश्रम को सामने देखते हैं वहां आश्रम में जाते हैं वह आश्रम जो है महर्षि वशिष्ठ का था उस आश्रम में जाते हैं तो वशिष्ठ उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं राजन आप भूख प्यास से व्याकुल जान पड़ते हैं आइए मैं आपकी और आपके सैनिकों की भूख प्यास को शांत करने का उचित प्रबंध करता हूँ तो इन बातों को सुनकर विश्वामित्र जो है वशिष्ठ से कहते हैं इस वन में रहने वाले मुनि मेरी इतनी विशाल सेना है आप मेरी एक की पिपासा को शांत कर दें यह तो समझ में आता है लेकिन इतनी विशाल सेना इसके भूख और प्यास को आप कैसे शांत करेंगे तो महर्षि कहते हैं राजन आप निश्चिंत रहें आप सभी विश्राम करें आपके जल पान की व्यवस्था की जा रही है और देखते ही देखते राजा विश्वमित्र और उसके समस्त सैनिक जो थे उन सब की भूख प्यास आदि को शांत कर दिया गया मन वांछित पदार्थ वहाँ महर्षि वशिष्ठ के द्वारा राजन विश्वमित्र के लिए उपलब्ध कराया गया विश्वमित्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ये सब ऐसा इस आश्रम में क्या हो गया कैसे हो गया इस आश्रम में ऐसा क्या है जिसके कारण से वांछित भोग्य पदार्थों की व्यवस्था महर्षि ने कर दिया रहस्य जानना चाहते थे उन्होंने महर्षि से पूछा महर्षि ने बताया कि महर्षि राजन मेरे पास नंदनी नाम की एक कामधेनु है उसकी कृपा से ही यह सब संभव हुआ तो विश्वमित्र उस कामधेनु नंदनी को प्राप्त करने का विभिन्न उपक्रम करते हैं लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अंततः जब उन्हें यह कहा जाता है कि राजन पराक्रम से आप इसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा इसके लिए आपको ऋषि बनना पड़ेगा महर्षि बनना पड़ेगा ब्रह्मर्षि बनना पड़ेगा तप बल से ही ये संभव हो सकता है ऐसा विश्वामित्र को जब पता चला तब वो फिर वैसा करने के लिए राजपाट छोड़कर फिर ऋषि बन जाते हैं फिर महर्षि और ब्रह्मर्षि के पद को प्राप्त करते हैं कहने का तात्पर्य यह है कि नंदनी जो गाय थी वो साधारण गाय नहीं थी वो कैसी थी वो कामधिनु थी कामनाओं की पूर्ति करने वाली थी उससे जैसी कामना की जाए जैसी इच्छा की जाए जैसी आवश्यकता आपको हो उसके अनुसार आप उनसे मांगेंगे याचना करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ति कर देती थी ऐसी वो नंदनी कामधेनु गाय थी तो इसी प्रकार से संस्कृत भी उस नंदनी कामधेनु के समान ही है तो संस्कृत में जो निहित विद्या है ज्ञान है इसको यदि हमको प्राप्त करना है तो जैसे उस नंदनी नाम की कामधेनु की सेवा महर्षि से वशिष्ठ ने किया था वैसी ही सेवा हमें संस्कृत की करनी होगी तब निश्चित रूप से हमारे जितने मनोवांछित ज्ञान प्राप्ति की जो लालसा है वो सभी शांत हो सकती है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि संस्कृत की उस कामधेनु के समान सेवा करना होगा क्यों क्योंकि सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ता सभी प्रकार की विद्याएं पहले ही कह दी गई हैं अर्थात संस्कृत साहित्य जो है इसमें सभी प्रकार की विद्याएं समाहित है जिसको ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा जो वेद पुराण आदि जो ग्रंथ लिखे गए हैं इनमें वो समाहित है तो वो निधि हमको कैसे प्राप्त होगा वो निधि प्राप्त करने का साधन है क्योंकि वे ग्रंथ जो हैं संस्कृत में लिखे गए हैं इसलिए जब तक हम संस्कृत को नहीं जानेंगे तब तक उस निधि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो संस्कृत जो है निश्चित रूप से कामधेनु के समान है और उस संस्कृत में निहित ज्ञान राशि को प्राप्त करने के लिए हमें कामधेनु के समान इसकी सेवा करनी होगी तो महर्षियों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की रचना कर दी है किंतु उन विद्या रूपी खजानों को पाने के लिए कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा आवश्यक है इसलिए जैसे आप सभी अध्ययन कर ही रहे हैं तो ऐसे ही आपको संस्कृत का अध्ययन करना है और संस्कृत जब सरल संस्कृत की ओर से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और हमारा लगन होगा तब संस्कृत साहित्य में निहित जो ज्ञान राशि है उसको हम सब भी प्राप्त कर सकते हैं आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अगला श्लोक है वायुनाम शोध का वृक्षा रोगाणाम उपहार का तस्मात्पण में रक्षण च हितावहम वायु नाम वायु के शोधका शोधक या शुद्ध करने वाले शोधक शब्द है प्रथम विभक्ति बहुवचन का यह रूप है तो इसका तात्पर्य होता है शोधक माने शुद्ध करने वाले वृक्षाह वृक्ष शब्द है प्रथम विभक्ति बहुवचन का यह रूप है तो इसका तात्पर्य होता है वृक्ष वृक्ष अर्थात पेड़ या पादप रोगानाम अपहार देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है रोगानाम धन अपहार का रोगाणाम मतलब रोगों को अपहार अप उपसर्ग है हरि धातु है इस तरह शब्द बनता है अपहार का रोगों को रोगणा मतलब रोगों को अपहार का दूर भगाने में। अपहार का दूर भगाते हैं कौन भगाते हैं वृक्षा वृक्ष जो हैं क्या करते हैं वायु नाम शोध वायु को शुद्ध करते हैं रोगा नाम अपहार का और जब वायु शुद्ध होगा दूषित वायु होता है तब वहाँ विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं तो वृक्ष क्या करते हैं वायु को शुद्ध करते हैं और वायु शुद्ध होने से विभिन्न प्रकार के रोग दूर होते हैं इस तरह से वृक्ष क्या हो जाते हैं रोगानापहार का रोगों को दूर भगाने में सहायक सिद्ध होते हैं तस्मात तस्मात का मतलब होता है इस कारण तस्मात शब्द कैसे बनता है तद मूल शब्द है तद का मतलब होता है वह और यहाँ पंचमी भक्ति एक वचन का यह रूप है तो तस्मात इस कारण से या इसलिए रोपण मेतेसाम रोपणम धन एतेसाम इति रोपण मेतेसाम तेसाम व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ यहां तो रोपण रोपण करना चाहिए किसका एतेसाम इनका किनका वृक्षों का रक्षणम च और रक, केवल देखिए जब हम वृक्षों की बात करते हैं वृक्षों के रोपण की बात करते हैं वृक्षारोपण की बात तो लोग कहते हैं लेकिन वृक्षारोपण करना या पादपों का रोपण करना पर्याप्त नहीं है रोप देना आसान है पौधों को लगा देना आसान है लेकिन पौधों को जब हम लगाते हैं तो साथ ही साथ उसमें जल देना और उसकी सुरक्षा करना उसमें खाद और पानी बराबर देते रहना जब तक वे बड़े ना हो जाए समर्थ न हो जाए तब तक उन वृक्षों की हमें रक्षा करना होगा तभी वृक्षों का रोपण या पादपों का रोपण जो है वो सार्थक हो सकता है इसलिए कहा गया तस्मात रोपण में ते इसलिए वृक्षों का रोपण और च और उसका रक्षण करना यह आवश्यक है क्यों आवश्यक है हितावहम क्योंकि वृक्षों को हम रोपेंगे और उसकी रक्षा करेंगे तो वृक्ष बड़े होंगे आप सभी जानते हैं वृक्षों की विशेषताएं होती हैं वृक्षों से हमें फल मिलता है फूल मिलता है छाया मिलता है शाखाएँ मिलती हैं जड़ मिलता है गंध मिलता है तो तरह तरह की चीज़ें हमें वृक्षों से प्राप्त होती है कुछ मिले ना मिले हमें वृक्षों से छाया तो मिलती है हमारा जो प्रदूषण है वो दूर तो होता है अर्थात हमारा वातावरण जो है प्रदूषण मुक्त होता है तो इसलिए इन वृक्षों का रोपण करना हम सबके लिए हितकारी है लाभकारी है कहा गया वायु नाम शोधकाह वृक्षाह वृक्ष हैं वृक्ष क्या हैं नाम शोध का वायु को शुद्ध करते हैं वृक्षारोपाणाम अपहार का वृक्ष रोगों को दूर भगाने में सहायक होते हैं तस्मात् कारण से रोपण एतेसाम, रोपणम एतेसाम, इनका रोपण रक्षणम च इनका रोपण करना और रक्षा करना हितावहम यह न केवल हमारे लिए अपितु तो समस्त प्राणियों के लिए समस्त जगत के लिए यह हितकारी है यह कल्याणकारी है प्यारे बच्चों यहाँ वृक्षा यह शब्द आया है कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि पादपाह इति पदस्य पर्याय पदम अस्मिन श्लोके किम पदम प्रयुक्तम उत्तर क्या होगा पादप कहते हैं वृक्ष को तो पादपाह इति पदस्य पर्याय पदम अस्मिन् श्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति वृक्षा ऐसे ही हितम हित कह रहे हैं हितम इति पदस्य विलोम पदम किम तो इति कल्याण और उसका विलोम क्या होगा हितम अहितम तो इस तरह से आप विलोम या पर्याय से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे या विभिन्न पदों की पहचान करने के लिए कहा जाएगा तो ये हम कर सकते हैं जैसे वायु नाम कहा गया तो वायु मूल शब्द है ष्ठी भक्ति बहुवचन का यह रूप है तो वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं और रोगों को दूर भगाने में सहायक होते हैं इसलिए वृक्षों का रोपण और रक्षण प्राणी मात्र के लिए हितकारी है संपूर्ण जगत के लिए कल्याण कारी है